मंडी के जेल रोड में वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में AC2DC अमर नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि AC2DC अमर नेगी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक दिवस काफी धूमधाम के साथ मंडी में मनाया गया। इस दौरान उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की जो भी समस्याएं हैं उनको हल जल्द ही कर दिया जाएगा। आज 1 अक्टूबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में सारे अपने वरिष्ठ नागरिकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और उनकी लंबी आयु की कामना करना चाहूँगा। जैसे कि आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके वरिष्ठ नागरिकों से मिलके, इनकी विचार सुन के, इनकी समस्याएं सुन के। मैं कामना करता हूँ कि हम प्रशासन की ओर से मैं इनको वादा करता हूँ कि इनकी जितनी भी आने वाली समस्याएं हैं और जो भी समस्याएं इनकी होंगी मिलके इनका हम समाधान करेंगे और हम पूरा इनका सहयोग करेंगे ताकि ये अपना आने वाला जीवन सुखद और सेहतमंद तरीके से व्यतीत कर सके। वहीं वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष रणपत सिंह राणा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक दिवस 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक दिवस को विश्व भर में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं मंडी में भी इसे धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में 17 इकाइयां हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 600 के करीब है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद बुजुर्गों की हर समस्या को हल करने का प्रयास करती है। अच्छा, हमारी ये ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद जिला मंडी की जो 2001 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय से लेकर के आज तक लगातार हम इस वरिष्ठ नागरिक दिवस जो पूरे विश्व स्तर में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है यहाँ पर भी मना रहे हैं। इसमें कई बार हमारे राज्य के मंत्री जो हैं वो, कई बार उपायुक्त महोदय जी और कई बार हमारा जब इनसे कोई और व्यक्ति नहीं मिलता तो जो भी जिला का अधिक आयु वाला हो, वरिष्ठ हो, वो इसका अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार आज हमारे जिला मंडी में 17 इकाइयां हैं, उन 17 इकाइयों में लगभग 600 हमारे वरिष्ठ नागरिक इस परिषद से जुड़े हुए हैं जो इसके रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इस तरह मंडी में तो हजारों की संख्या में वरिष्ठ नागरिकों की, परंतु हमारे इतने ही अभी तक जुड़े हुए हैं और ये वरिष्ठ नागरिक हमारे बुजुर्ग या जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य हेतु है या उनको परिवार से, समाज से या और कोई व्यक्ति तंग करता है तो उस की समस्या को हल करने के लिए हम कंसर्न ये संबंधित विभाग से उस प्रश्न को टेकअप करके हल करवाते हैं। इस संस्था में डे केयर सेंटर भी चला रखा है जो 2010 में इस संस्था के अपने ही संसाधनों से उसको चलाया गया था, परंतु अब 2016 से हिमाचल सरकार की तरफ से हमें ग्रांट इन एड मिल रही है और इस प्रकार से उसमें यहाँ पर मनोरंजन के लिए भी और पढ़ाई के लिए छोटी लाइब्रेरी भी है,